चलिए जी, हेडिंग डालिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। हमने इस टॉपिक में सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन की पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? दैट ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज जीरो, एंड हाउ डू यू कैलकुलेट दैट ईबीआईटी, हाउ डू यू कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स, प्री टैक्स मतलब 1 माइनस टी ब्रैकेट से डिवाइड कर देंगे। दिस वाज कॉन्सेप्ट नंबर वन। फिर आपने क्या पढ़ा था? इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन दैट ईबीआईटी at which EPS of plan 1 is equal to EPS of plan 2, that EBIT at which EPS of plan 1 is equal to EPS of plan 2, and how do you calculate EPS? EBIT minus interest ko bracket mein rakha, तो इसको हमने फिर नेट ऑफ टैक्स कर दिया, ये ईएटी आ गया, इसमें से माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, हमारे पास ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में यही दो मेनली कॉन्सेप्ट्स थे। बट ऑफकोर्स सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिविजन के बेसिस पर आपके पास टॉपिक तैयार नहीं होता, क्वेश्चंस आपको इसके कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। बाय द वे, इस टॉपिक में जहां पे भी आता है दैट न्यू फाइनेंस हैज टू बी रेस्ड, हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी चीज जो हेल्पिंग हो जाती है दैट इज मेकिंग ऑफ पैटर्न। उस पैटर्न में हम रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरेस्ट क्या होने वाला है, प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट प्लस न्यू इंटरेस्ट, डिविडेंड पहले वाला प्लस न्यू वाला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले वाले न्यू वाले, ताकि इनकम स्टेटमेंट यानी कि ईपीएस के कैलकुलेशन में आसानी रहे। हाउ डू यू टेक द डिसीजन कि कौन सा प्लान हमको रेकमेंड करना है? अगर तो क्वेश्चन ने हमसे ईपीएस स्टेटमेंट मांगी है तो बेस्ड ऑन ईपीएस, बिल्कुल क्वेश्चन ने जो मांगे उसके हिसाब से। क्वेश्चन ने अगर हमसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को लेकर कैसे कमेंट आएगा? जिस प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन जल्दी आता है उसको रेकमेंड कर लेंगे। बट इंडिफरेंस पॉइंट कोई ऐसा कुछ नहीं है जो रेकमेंडेशन में हेल्प कर सकता है, बिकॉज इंडिफरेंस पॉइंट में क्या होता है कि बिलो इंडिफरेंस पॉइंट वन प्लान इज प्रेफरेबल, अबव इंडिफरेंस पॉइंट दूसरा प्लान प्रेफरेबल हो जाता है। तो वो रेंजेस जो है उसके हिसाब से हम अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ दैट वाज वैल्यूज, वैल्यू को लेकर, बेसिकली वैल्यू की कैलकुलेशन होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज। तो अगर हमारे पास, मैं थ्योरीज की बात करूं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस, रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस। हाँ जी, और अगर मैं बात करूं रेलेवेंस में कौन कौन सी थ्योरीज आ जाएंगी, एनआई अप्रोच, एनओआई इररेलेवेंस में आएगी, ट्रेडिशनल आएगी, फिर एमएम जो तो विदाउट टैक्स है। हाँ जी बच्चे एक सेकंड दीजिएगा, आप लिखिए इररेलेवेंस में एमएम विदाउट टैक्स और रेलेवेंस में एमएम विद टैक्स। मैं फिर से लिख देती हूँ, दिस इज एनओआई, फिर एमएम विदाउट टैक्स इररेलेवेंस में और एमएम विद टैक्स रेलेवेंस। ठीक है, अब देखिए जो भी कॉमन अजम्पशंस है इन सभी थ्योरीज की, कॉमन अजम्पशंस ने क्या था, नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओनली इक्विटी एंड डेट, नो रिटेन अर्निंग्स एट ऑल, जितना ईपीएस है उतना डिविडेंड बांटा जाता है, मतलब नो रिटेंशन। ठीक है जी, उसके बाद एक अजम्पशन ये रहती है दैट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हैज टू बी द सेम, अगर वेटेज ऑफ डेट हैज टू बी इंक्रीज, अमाउंट ऑफ डेट हैज टू बी इंक्रीज, मतलब अमाउंट ऑफ इक्विटी हैज टू बी डिक्रीज। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉमन अजम्पशंस थी, और एक्सेप्ट फॉर एमएम विद टैक्सेस बाकी सभी थ्योरीज में नो टैक्सेस वाली अजम्पशन भी है। अच्छा,
अब हर थ्योरी के अपने स्पेसिफिक अजम्पशंस भी है, देखिए वो बच्चे आप अपने बुक से रीड कर लीजिएगा। मेनली जितनी भी हमारे पास विदाउट टैक्स वाली चीजें चल रही हैं, उसमें कॉमन हमारे पास आइडेंटिटीज क्या चल रही है, दैट वैल्यू ऑफ फर्म जिसको हम बोलते हैं वी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, वी इज इक्वल टू एस प्लस डी, राइट। दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम के ई बोलते हैं, दैट इज एन आई बाय एस, एन आई मतलब अर्निंग्स फॉर इक्विटी। एंड तीसरी चीज के ओ यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ई बी आई टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ई बी आई टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। ये विदाउट टैक्स वाली जितनी भी थ्योरीज हैं सभी के लिए ये कॉमन बात चल रही है, ठीक है जी। नाउ स्पेसिफिकली अगर मैं एमएम की बात करूं, एमएम विद टैक्सेस की अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है, उसके प्रोपोजिशंस, उसके फॉर्मूला याद है, तो अपने आप ही एमएम विदाउट टैक्स का भी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूं अब आपको यहां पर, एमएम विद टैक्सेस का फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। एमएम विद टैक्सेस, एमएम विद टैक्सेस ने सबसे पहले बात किसकी की थी, वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म, इट इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। वेयर हाउ डू यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, इट इज ईबीआईटी ऑफ ईबीआईटी अपॉन केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म, जो कि उसका इटसेल्फ केई ही है, नेट ऑफ टैक्स, EBIT net of tax upon KO, ठीक है जी। सेकेंड KE, फॉर्मूला याद होना चाहिए, KE of levered firm is equal to KE of unlevered firm plus debt upon equity, KE of unlevered firm minus KD net of tax। और हमें पता है क्योंकि नेट ऑफ टैक्स बाहर है, तो ऑब्वियसली दिस केडी इज प्री टैक्स, मतलब इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हैविंग सेड दैट, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट क्या प्रेफरेबल है, एनआई बाय एस अप्रोच इज प्रेफरेबल। एंड थर्ड फॉर्मूला, केओ का केओ ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म ब्रैकेट में वन माइनस टैक्स रेट एल। ये T और L एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, इसलिए हम इनको ब्रैकेट में रख सकते हैं, T और L, वेयर L मींस डेट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ऑफ कोर्स लीवर्ड फर्म की बात चल रही है, D अपॉन D प्लस E, ठीक है। अब ये हमने लिख तो लिया, बट क्या अप्रोच है, WACC टेबल इज प्रेफरेबल, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एमएम विद टैक्सेस आपको याद है, तो एमएम विदाउट टैक्सेस भी आपको याद है। हर प्रोपोजिशन में टी इज इक्वल टू जीरो कर लीजिए, अपने आप आपके पास एमएम विदाउट टैक्सेस की प्रोपोजिशन बन जाती है। एक बार ही रिकॉल कीजिए, अगर टी इज इक्वल टू जीरो है, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म लिखने की बेशक जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म बराबर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म केई के फॉर्मूला में, ये बस नेट ऑफ टैक्स ब्रैकेट हट जाएगा, बाकी का फॉर्मूला रह जाएगा। एंड अगर टी जीरो है, तो एमएम विदाउट टैक्सेस में के ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू के ऑफ अनलीवर्ड फर्म हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एमएम को लेकर स्पेसिफिकली हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है आर्बिट्राज का। आर्बिट्राज का प्रोसेस ये कहता है दैट व्हेन अ शेयर होल्डर सेल्स द शेयर्स ऑफ ओवर वैल्यूड फर्म एंड परचेजेस द शेयर ऑफ अंडर वैल्यूड फर्म, वहां पे उसको आर्बिट्राज गेन मिलेगा। और अगर ये आर्बिट्राज गेन का फायदा हर शेयर होल्डर उठाना चाहेगा, तो धीरे धीरे वैल्यू ऑफ ओवर वैल्यूड फर्म विल डिक्रीज, अंडर वैल्यूड की बढ़ जाएगी, और एक पॉइंट पर आकर दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। एमएम विदाउट टैक्सेस में वैल्यू बराबर होती है, इस तरीके से जस्टिफिकेशन दी गई थी। बट जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ओवर वैल्यूड फर्म को छोड़कर जाते हैं और अंडर वैल्यूड फर्म की तरफ जाएंगे, तो एक बीच का प्रोसेस होता है, बीच का प्रोसेस होता है पर्सनल रिस्क को कॉर्पोरेट रिस्क से सब्स्टिट्यूट करने का। अगर तो शेयर होल्डर छोड़कर जाता है लीवर्ड फर्म को, आप आर्बिट्राज की हेडिंग डालिए आर्बिट्राज, और यहां पर पहले ऐसे लिखिए दैट दिस विल बी एन ओवर वैल्यूड फर्म यहां पर, और दिस विल बी एन अंडर वैल्यूड फर्म,
ओवरवैल्यूड फर्म में, अब देखिए अगर तो ओवरवैल्यूड फर्म लीवर्ड है और अंडरवैल्यूड फर्म अनलीवर्ड है, तो जो ये स्टेप परफॉर्म होगा बीच का वो कौन सा स्टेप होगा? पर्सनल बोरोइंग्स का। कॉर्पोरेट रिस्क छोड़कर जा रहे हैं तो पर्सनल रिस्क लेंगे, और पर्सनल बोरोइंग्स कितनी अमाउंट की होगी? दैट रुपी वैल्यू इज डेट इन लीवर्ड फर्म इनटू परसेंटेज शेयर होल्डिंग इन लीवर्ड फर्म, एंड ये परसेंटेज शेयर होल्डिंग इन लीवर्ड फर्म तो आपको गिवन ही होती है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ, इसको पता करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आप छोड़कर जाते हैं अनलीवर्ड फर्म और वहां से आप लीवर्ड फर्म में जा रहे हैं, तो रस्ते का स्टेप क्या होगा? पर्सनल लेंडिंग। एंड पर्सनल लेंडिंग की जो अमाउंट है वो कैसे आएगी? डेट इन लीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म अब हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है जी, और वहां की परसेंटेज शेयर होल्डिंग हमको गिवन नहीं होगी। और कैसे कैलकुलेट होगी ये? कैलकुलेट या तो रेशियोस या तो यूजिंग एक्स। क्लियर है जी सभी को? राइट। अब लास्ट में जो तीनों थ्योरीज थी, ये तो हमने एमएम की बात करी है और तीनों थ्योरीज के फॉर्मूला की तो बात कर ली है, बट तीनों थ्योरीज की स्पेसिफिक अजम्पशन डिस्कस करने के लिए एक बार हम ग्राफ ही डिस्कस कर लेते हैं। उस ग्राफ में अजम्पशन भी आ जाएगा और कंक्लूजन भी आ जाएगा तीनों थ्योरीज का। हमने क्या करना है, हमारी जो ये स्पेस है उसको हम वर्टिकली तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस आप बना लीजिए। बेसिकली एक्स एक्सिस तीनों केसेस में क्या डिनोट करेगा? यूसेज ऑफ डेट, और वाई एक्सिस डिनोट करेगा योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के डी के ई के ओ वगैरह। ठीक है जी। एनआई अप्रोच, एनआई की अजम्पशन क्या थी? के डी और के ई दोनों कांस्टेंट रहेंगे, सो के ओ हमारा स्टार्ट होगा के ई से, बट इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड इट विल ऑलमोस्ट टच के डी बट इट विल नेवर टच के डी। कभी भी फर्म कैन नॉट बी ऑल डेट फर्म, जीरो इक्विटी कभी हो ही नहीं सकती। और ऑफ कोर्स हमें पता है क्योंकि KO चेंजिंग है तो वैल्यू भी चेंजिंग है, इसलिए NI हमारी पड़ जाती है, रेलेवेंस हमें पता है, वो तो हमने ऊपर लिख लिया था। बट अगर मैं आपसे NOI की बात करूं, NOI की assumption क्या थी? KD सेम रहेगा, KE बढ़ता रहेगा, तो अल्टीमेटली KO पर इम्पैक्ट कॉन्स्टेंट। ये भी क्लियर हो गया जी। अब हमारे पास रह गई ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल केडी एंड केई इंक्रीज स्लोली एट फर्स्ट, शार्पली देयर आफ्टर। तो आप इनका पहले तो बनाएंगे एक थोड़ा फ्लैट कर्व, फिर ये इंक्रीज कर जाएगा शार्पली। ये बन गया आपके पास केडी, सिमिलरली फ्लैटर कर्व एंड देन शार्पली इंक्रीजिंग केई, राइट। और केओ क्या होगा? इट विल डिक्लाइन एट फर्स्ट एंड आफ्टर अ पॉइंट इट विल राइज, मतलब यू शेप्ड कर्व बनेगा। एंड ऑफकोर्स कंक्लूजन ये कहता है कि जहां पर मिनिमम के हो है वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, यही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एनआई का कंक्लूजन है कि KO उतना, KO जितना गिर सकता है गिरा लो, मतलब डेट जितना पॉसिबल है वो एम्प्लॉय कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। ये एनआई ने बोला, एनओआई ने बोला KO कॉन्स्टेंट माने वैल्यू कॉन्स्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। रस ट्रेडिशनल कहती है जिधर मिनिमम KO है उधर ही हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। जी ऑल राइट, दिस वॉज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस।